आपकी राय। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जफर खान, हाईटेक टीवी के स्पेशल प्रोग्राम आपकी राय में आपका इस्तकबाल करता हूं। इस प्रोग्राम में आपसे बात होगी, आपकी बात होगी और रहेगी आपकी राय। अभी इलेक्शन है, इस इलेक्शन में देखते हैं इन लोगों का पे क्या कहना है कि कौन बनेगा सीएम, देखते हैं इसमें आपकी क्या राय है। तो चलिए यहाँ के आवाम से जानते हैं। इस वक्त हैदराबाद में मैं मेदीपट्टनम के इलाके चौराहे पे हूँ। मैं देखते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि इस इलेक्शन में सीएम कौन बनेगा, क्या है आपकी राय। भाई सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब, क्या राय है आपकी अभी ये इलेक्शन में कौन बनेगा सीएम, आपकी क्या राय है इस पर? हमारी राय है कि कांग्रेस ही बने सीएम। बीजेपी के वजह से बहुत सारा लॉस हो गया है, कारोबार नहीं चलता है, प्लस ये जीएसटी ये वो माल बहुत महंगा हो गया है इसके वजह से। क्या आपका ओपिनियन क्या है? में कुछ नहीं पता मुझे। नहीं, आप किसको वोट डालेंगे, कौन बनेगा सीएम? वोटर आईडी भी नहीं है मुझे, M17। आप 17 है, नहीं लग नहीं रहे हो इसे, तो इसलिए पूछा मैं। थैंक यू। इसमें आपकी क्या ओपिनियन है कि कौन बनेगा सीएम? कांग्रेस बना, कांग्रेस होता। क्यों सर? क्यों बोले तो TRS बोल रहे, डबल बेडरूम बोले, किसको भी नहीं दिया, फिर पूरा आर आदमी के जॉब बोल के बोला, फिर कुछ भी नहीं दे रहा ना। अब काय को अब इलेक्शंस पहले नेक्स्ट ईयर तक वेट कर सकते ना, फिर इलेक्शंस के लिए अब पूरा 3 मंथ्स का क्या बोलते डेवलपमेंट नहीं होता फिर ऐसी, इसलिए कांग्रेस को एक चांस देना कैसे दो भी TRS को। आपका नाम सर? मनोज है मेरा। कहाँ से सर? मैं मानकोंडा से। थैंक यू सर, थैंक यू। सर अभी ये इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो इसमें आपकी क्या राय है, आपका ओपिनियन क्या है कि कौन बनेगा सीएम? सर मैं ऐसे चंद्रशेखर राव। कौन से पार्टी से? TRS। आपका नाम? राजू। सर आप क्या बोलेंगे, आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? तो आपकी इसकी क्या राय है इसमें आपकी कि इस इलेक्शन में सीएम कौन बनेगा? KCR साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि KCR साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो पब्लिक जो आवाम है उनको बहुत लाइक करती है, गरीब के साथी है उन्होंने, क्या क्योंकि उनको डाल देंगे हम वोट, उनके डालेंगे, दूसरा आदमी को नहीं। आपकी क्या राय है इसमें कि कौन बनेगा सीएम? मतलब KCR बनना चाहिए। तो उनका मतलब उनको नहीं बनने का मतलब मुझे आपको क्या लगता है? नहीं सर, इसको क्या मतदान बोलते हैं, इसको तो दान किसको देना है वो बोलेगा नहीं रहता वो। हाँ, तो बोल नहीं बोलना वो, आप वहाँ जाने के बाद वो किसको जानना, आप इस पर रहता हो। ओके, आपकी राय है कि KCR साहब आना जी? है KCR साहब। तो आपकी इसमें क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? KCR बनेगा। तो उन्हें ही क्यों आना चाहिए? अच्छा काम कर रहे हैं वो। इसमें TRS ही आएगा तेलंगाना में फिर। पक्की बात। तो इसमें आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है कि सीएम कौन बनेगा? मोदी जी आएंगे सीएम साहब, सीएम के लिए अपने हैदराबाद से। जी हैदराबाद से। हैदराबाद से अपना KCR के चांसेस है। पक्की बात। हाँ। और आपका नाम सर? सुनील शिंदे। कहाँ से सर आप? मैं कारवान में रहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो उसमें आपकी क्या राय है कि कौन बनेगा सीएम? जो अच्छा काम करेगा उन्हें बनेगा सीएम। दो तीन पार्टियां तो उसमें से कौन बनेगा? KCR आता और क्या, पक्का 100,000%। आपकी क्या ओपिनियन है कि कौन बनेगा सीएम? सीएम KCR और क्यों? हाँ। क्या मतलब उनमें ऐसा क्या मतलब आप क्या खूबी है, मतलब अभी क्या काम जो किए हैं उनकी वजह से या फिर किसके वजह से, क्या आपकी पार्टी है वो या फिर किस वजह से? पार्टी हमारी कुछ नहीं है, पर्सनल खुद देख के जो काम करा रहे हैं पब्लिक को, इसलिए जो हो सो हो रहा है, जो करेंगे उसका तो रिजल्ट तो आएगा ना। तो उसमें आपके क्या ओपिनियन है कौन बनेगा सीएम? KCR सीएम तो 100% KCR। सवाल ही नहीं है, बराबर से KCR साहब ही आते। इलेक्शन जो होने वाला है सीएम का, तो उसमें कौन बनेगा सीएम? सीएम KCR नया था जी, नया था। क्यों सर? ये सीएम को KCR नया था। अच्छा, कौन आएंगे सर? कांग्रेस वाला, कांग्रेस में बड़ा लीडर नहीं है,
बट बड़ा लीडर है तो कांग्रेस आता। अच्छा। बट कांग्रेस टीआरएस नहीं आता जी। सर आपका नाम? सर राजू। कहाँ से सर? कहाँ से? मैं वरंगल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कौन बनेगा सीएम? सीएम यहाँ आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो यहाँ क्या लगता है आपको? आप तो आंध्र से है तो यहाँ के हिसाब से यहाँ पे कौन बनेगा सीएम? केसीआर लगता है। तो क्या लगता है आपको, आपकी क्या ओपिनियन है कि कौन बनेगा सीएम? हमारा सीएम बनेगा केसीआर ही बनेगा। केसीआर सर? हाँ पक्का। कुछ बताइए सर उनके बारे में। वो अच्छा, थोड़ा आके सोचने का आदमी है वो, आके थोड़ा। अभी तो अपना को फल नहीं मिले तो आके अपना को अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, वो तो अच्छा ही काम करते। आपकी क्या राय है इसमें कि कौन बनेगा सीएम? सीएम कौन बनेगा? मैं नीनू बोल रहा हूँ। आपको हक है ना वोट डालने का, तो आप किसको डालेंगे? आप आपकी क्या राय है कौन बनेगा सीएम? कांग्रेस। कांग्रेस ठीक है। तो कौन बनेगा सीएम? दो केजीआर साहब। केजीआर साहब डन। कुछ बताइए उनके बारे में। आप कुछ तो नहीं मालूम अपन को बेटा। आपको क्या लगता है कि सीएम कौन बनेगा? सीएम सर तो केजीआर ही रहेंगे। कुछ बताइए उनके बारे में। तो कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन सीएम साहब तो केसीआर ही रहेंगे जहाँ तक अपना अंदाज है। कहीं हर किसी के नाम पे, हर किसी के नाम मुंह पर तो केसीआर सर का नाम है। सीएम कौन बनेगा जी? ऑब्वियसली देखिए कि जैसे केसीआर साहब काम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ, और जो तेलंगाना की आवाम चाहती है कि केसीआर साहब आए। जैसे कि उनके स्कीमात है, शादी मुबारक है, कल्याण लक्ष्मी है, और जो सो किट का इंतज़ाम कर रहे हैं लड़के 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 लड़कियां पैदा होने के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सहूलतें बहुत अच्छी होगी काफ़ी पहले से ज़्यादा, और जो सो रोडों का इंतज़ाम, और जो सो बाकी सब पानी का इंतज़ाम, जैसे कि जो सो और अपने को इलेक्ट्रिसिटी कभी कट नहीं हुई गुज़िश्ता सालों को अगर अपन कंपेयर करें तो। अपनी जो है सो इलेक्ट्रिसिटी 5 साल में जो है सो बिल्कुल जीरो नील बोल सकते हैं कि जो है सो कभी कभार गई होंगी, ज़्यादा ऐसा मौके पर देखा नहीं गया कि जो है सो इलेक्ट्रिसिटी गई हो या किसी को दिक्कत आई हो। तो मैं चाहता हूँ और मेरा वोट भी इंशाल्लाह जो है सो केसीआर साहब को ही जाएगा। आपका नाम? सैयद खदीर। आप कहाँ से? जी मैं निज़ामाबाद से हूँ जी। थैंक शुक्रिया आपकी राय का। तो आपकी क्या राय है कि कौन बनेगा सीएम? वी डोंट हैव मच द ओपिनियन। तो कौन बनेगा सीएम, आपकी क्या ओपिनियन है? केसीआर ओनली ऑब्वियसली, reason because whatever he did is well only and it's good for Telangana people. I think and present also he have more strength compared with other opponents and that and all. Actually I am from Andhra but I can say that KCR can win because he did very well compared with anything. Yeah, that's the thing. What's your good name madam? Tanusha. Thank you. So aapki is pe opinion kya hai, kaun banega CM? KCR. Kyon madam? ओ वृद्धुलकु अच्छा करें उन्हों, अच्छा करें उन्हों। और कुछ बताइए उनके बारे में। उनके बारे में डबल बेडरूम दिए ना उधर, इधर भी देते बोले, अभी भी देखेंगे क्या है तो क्या है। इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, कौन बनेगा सीएम? ना गिल्दी राज हो। तेलुगु में चप्पू सर। कैसे आ रहे तुम लोग? तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा सीएम? नहीं मालूम मेरे को। नहीं मालूम मेरे को। सर आप बताइए सर, अभी एक्सक्यूज मी सर आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं बात करेंगे मैडम। आप बताएंगे इलेक्शन के बारे में बोलने का आपको कि चलो लोग और कुछ लोग हैं यहाँ पे सब भाग रहे हैं यार, हमको देख के भाग जा रहे हैं, पूरे भाग रहे हैं। सर आप बताइए सर, एक मिनट आइए ना, लोग भाग रहे हैं ऐसे पता नहीं क्यों। मैं आप सवाल तो नहीं पूछ रहा हूँ किसी से, जैसे कि मैं सवाल का सिलसिला जो लेकर आता हूँ वो तो नहीं है, लेकिन आज इनके लिए ही आया हूँ मैं, आपकी आवाज़ सारी दुनिया को सुनाने के लिए कि कौन बनेगा सीएम, क्या है इसमें आपकी राय, ये जो इलेक्शन है उसमें आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है। तो चलिए और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों का क्या कहना है इस बारे में। दोस्तों यहाँ रहते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जाइएगा बहुत, देखते रहिए मेरे साथ आपकी राय, योर ओपिनियन ओनली ऑन हाईटेक टीवी पर।
राय High-tech furnishing world, vertical blinds, Venetian blinds, roller blinds, interior blinds, office blinds, all kinds of blinds available here, service at your doorstep. Our address, Mehdipatnam Road, Talagadda, Hyderabad. Please contact on this number, 9700214737. दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हाईटेक टीवी के स्पेशल प्रोग्राम आपकी राय। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, कौन बनेगा सीएम? टीआरएस सीएम। क्यों सर? उसका अच्छी है ना। तेलुगु में बोलिए आप, कोई बात नहीं। टीआरएस का हवा अच्छा चल रहा है ना? अच्छा चल रहा है। हाँ। क्या हवा मतलब क्या अच्छा चल रहा है? पूरा कहाँ तो भी देखे तो टीआरएस चल रहा है ना। अच्छा। अच्छा क्या मतलब हवा चल रही है कहाँ भी देखो तो? बस ना कुछ। आपका नाम मैडम? वर्षा। तो आप बताइए सर, आपकी क्या ओपिनियन है कि 2019 में जो इलेक्शन होने वाला है, सीएम कौन बनेगा? इनको मालूम भाई, मेरे को नहीं मालूम था। क्यों, आप वोट देने जाएंगे ना? नहीं नहीं डालते हम लोग वोट। नहीं डालते आप? नहीं 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 डालते, किसी को भी वोट नहीं डालते। आप क्या बताइए सर? नहीं मालूम हो यार। अच्छा नहीं मालूम जी, इनको पूछो। बोलना रहे तो क्या? आज आपका मौका है, आप भाई टीआरएस को डाल दे। नहीं मालूम मेरे को तो। केसीआर 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 पतंग पतंग। क्या नाम है सर आपका? अलीम, अब्दुल अलीम। कुछ बताइए सर उनके बारे में। काम कर रहे ना सब, अच्छे अच्छे काम कर रहे ना। अब हर कोई बोल रहे टीआरएस ही बोल रहे। आपका क्या कहना है? हर कोई की बात नहीं, आपकी क्या राय है? अभी टीआरएस। तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है कि कौन बनेगा सीएम, आपको क्या लगता है? प्रेजेंट हालात में तो केसीआर ही दिख रहे हैं फेवरेट। फिर अब जब तक इलेक्शन तक पब्लिक का क्या रुझान होता नहीं बोल सकते। हालात के हिसाब से तो केसीआर ही फेवरेट दिख रहे हैं तेलंगाना। हालात मींस हालात अच्छे हैं या फिर बुरे हैं? जो है हालात, क्या क्या हालात लग रहे हैं आपको? नहीं, थोड़ा सा काम करे उनकी हुकूमत में, थोड़ा सा जो है से पब्लिक को जो है से सहूलतें पहुँचाए। अब वो हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा माइनॉरिटीज के लिए भी अच्छा करे उन्होंने, मगर बहुत सारे प्रोमिसेस फुलफिल करना बाकी है उनका। मगर फिर भी जो काम करे उसके हिसाब से देखा जाए तो माइनॉरिटीज थोड़ा उनको जो है से सीएम के लिए प्रमोट करेंगे। आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से भी तेलंगाना के लिए केसीआर अभी प्रेजेंट हालात में सही सीएम है। दिन के इलेक्शन की तैयारियां चल रही है ना, ठीक है, तो इसमें आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है कि कौन बनेगा सीएम? केसीआर ही बनेगा। क्यों सर, कुछ बताइए उनके बारे में। है उन्हें वैसा पॉपुलर है, थोड़ा बहुत कर रहा भी काम अच्छा था सर। तो उस पर आपकी क्या ओपिनियन है कि कौन बनेगा सीएम, आपकी क्या राय है इसमें? फिलहाल तो आइडिया नहीं है हमने को। तो आइडिया नहीं है तो आप क्या सोचते हैं? तैयारियां चल रही हैं जिस तरह से, आपको क्या लगता है? यहाँ पे कांग्रेस का जोर चल रहा। अच्छा। हर जगह देखे तो कांग्रेस का जोर चल रहा है। इनने क्या है, आते हैं या नहीं आते नहीं मालूम केसीआर। तो आपकी क्या ओपिनियन, क्या सोचते हैं आप, कौन आना चाहिए? हमारे एरिया से तो मंगलिस ही आते। हाँ, सीएम कौन आएगा? सीएम आइडिया नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है कि कौन बनेगा सीएम? टीआरएस का ही आता है, टीआरएस का चंद्रशेखर का ही है चांसेस। ऐसा क्यों लगता है आपको? तो जो प्रोग्रामिंग जो कर रहा है, जो डेवलपमेंट जो है वो हिसाब से चला। इलेक्शन के तैयारियां हो रहे हैं तो इसमें आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, कौन बनेगा सीएम? सीएम केसीआर बनना चाहिए। क्यों मैडम, कुछ बताइए उनके बारे में। उनके बारे में क्या, वो बोल के अच्छा ही है ना, उनका चलाना अच्छा ही है ना। सर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? हमारे क्या नाम मालूम भाई आपके? आप वोट तो देने जाएंगे ना सर? हाँ, आप वोट तो देने जाएंगे ना? और देखेंगे जब कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस
कोई फैसिलिटी मिलना भी ना अपने को, कहाँ से फैसिलिटी मिल रहा है उनका? वोटों के लिए बोल रहे मगर वोटा कहाँ पे, इलेक्शन कार्ड के लिए कहाँ पे बोल रहे, आ रहा ही नहीं वो क्या कार्ड से। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है आपकी कि कौन बनेगा सीएम? एज यूजुअल केसीआर। कुछ बताइए उनके बारे में। मतलब उन्होंने बोथ ऑफ कमेटी जाते ना है, हिंदू मुस्लिम सबको एक तरह का मान के चल रहे हैं उन्होंने, इस वजह से। और कुछ नहीं, बस इतना ही है। इस पे आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा सीएम, आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है आपकी इस बारे में? सीएम केसीआर। कुछ बताइए उनके बारे में। क्या बताएंगे, अब काम तो अच्छे करके सोए ना पुगे। हाँ, सब काम अच्छे ही करके सोए। अभी जो इलेक्शन की तैयारियां चल रही है जिस तरह से, तो कौन बनेगा सीएम? नहीं मालूम। नहीं मालूम क्यों, आप वोट देने नहीं जाएंगे? मैं पॉलिटिक्स में नॉलेज नहीं है अपने को। नॉलेज नहीं, वोट है, एक वोट देना होता है जो पाँच साल में एक बार आपको मौका मिलता है, तो इस बारे में तो कुछ पता होगा आपको कि आप किसको डालना है वोट, किसको आप सोच के रखे हैं? MIM को डालें। नहीं, सीएम की बात कर रहा हूँ, सीएम कौन बनेगा? केसीआर। अभी जो इलेक्शन चल रहा है तो आपको क्या लगता है सीएम कौन बनेगा, कौन आएगा? केसीआर। उनके बारे में कुछ बताइए। पब्लिक को हेल्प कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा लगता है कि केसीआर साहब आएंगे? उसकी नेचर के हिसाब से आएंगा उन्हें, इतना हेल्प कर रहा हूँ, जैसा शादीशुदा बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन लोगों को हेल्प कर रहा उन्हें, उसलिए करती है, पब्लिक उसको सपोर्ट करेंगी। तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि सीएम कौन बनेगा? केसीआर तो कन्फर्म नहीं बनेगा, 100%। आपको क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? केसीआर वस्तानी नमकम रैतुलकु मंचे चेस्तुन्नाडु, रैतुलकु गानी काकपोते इप्पुडु मन अंगनवाडी केंद्रालकु टीचर्लकु पापद ఉద్యోగులకు ఏం చేశారో మనకు పెద్దగా ఐడియా తెలియదు, ఉద్యోగ రైతాంగానికి మంచి చేశారు, వస్తే కేసీఆర్ సారే వస్తాడు అని ఒక నమ్మకం అట్లా. మీ పేరు సార్? నా పేరు చిన్న, మామర్ జిల్లా. సీఎం, సీఎం అబ్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ కేసీఆర్. क्यों सर, आपको क्यों लगता है सर? भाई बहुत अच्छे काम कर रहा है सो है, हर एक चीज पेंशन दिला रहा, और एज वालों को भी बैंक से भी पैसे मिल रहे, हर एक चीज मिल रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि सीएम कौन बनेगा? केसीआर। जी सर, केसीआर। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? अच्छे काम करता हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इसमें, कौन बनेगा सीएम? केसीआर ही बनेंगे। क्यों ऐसा लगता है सर आपको? उन्होंने डेवलपमेंट करे से जो चीज़ हमको अच्छे दिखे, उस वजह से हम सोच रहे इस बार केसीआर की है। क्यों ऐसा लगता है सर? डेवलपमेंट अच्छा है सर, देखो जैसा मिशन वगैरह में अच्छा है, मिशन काकतिया है, शादी मुबारक है, और पेंशन है, एवरीथिंग इज गुड। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है कि सीएम कौन बनेगा? मैं MIM के सेटी से रहते हुए। आप सीएम कौन बनेगा? केसीआर। क्यों सर, आपको क्यों लगता है सर? फैसिलिटी से अच्छे दिया ना उन्होंने आपके साथ। तो आपको क्या लगता है कि सीएम कौन बनेगा? केसीआर साहब। कुछ बताइए क्यों ऐसा हो, क्यों ऐसा चाहिए? ये बहुत अच्छे काम करे केसीआर साहब। जी सर, बहुत अच्छे काम करे केसीआर साहब, बच्चों की शादी में पैसे दे रहे हैं, गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं, ईदा में पैसे दे रहे हैं, और दावत में भी हेल्प करे, पब्लिक हेल्प करे बहुत, इसलिए सीएम बनेंगे। सीएम कौन बनेगा, आपका क्या ओपिनियन है? तो नहीं मालूम है। तो आप वोट देने नहीं जाएंगे? मैं कांग्रेस। कांग्रेस क्यों लगता है सर? तो नहीं मालूम। आपका ओपिनियन क्या है? क्या बोलेंगे, पब्लिक इस पे रहता उस पे रहेंगे ना, कांग्रेस आंगा। कांग्रेस हाँ। क्यों ऐसा लगता है मैडम आपको? कांग्रेस पुराना है ना, अब केसीआर बोलते नवा है तेलुगु देश, कांग्रेस आंगा। कौन आएगा सीएम, कौन बनेगा? अब सीएम बोले तो कांग्रेस जी चाना साहब। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा बोले तो क्या बोलेंगे साहब, अब पहले कांग्रेस जी है, कांग्रेस जी चाना, पहले से पुरानी कांग्रेस जी है। మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు సీఎం ఎవరు వస్తారు? సీఎం ఈ ఎలక్షన్ లో? ఈ ఎలక్షన్ సీఎం అంటే ఎవరు వస్తారు, మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు?
ఏం అడిగేది డబుల్ బెడ్రూమ్లు అవి కావాలంటున్నారు ఆ జనము. ఇప్పుడు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది కదా, మళ్ళీ డబుల్ బెడ్రూము పంట నష్టం కాదు, ఎకరాకు 2000 అవి ఇవ్వమంటున్నారు, ఎకరాకు 4000 అవన్నీ ఇవ్వమంటున్నారు. బెడ్రూము డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వలేదు ఆయన, అండ్ డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తే బాగా అని అంటున్నారు. ఇస్తే మంచిగా ఎవరు వస్తారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో సీఎం ఎవరు వస్తారు? మళ్ళీ సీఎం ఇతనంటేనే బాగుంటుంది. ఇట్లనంటే ఎవరు? కేసీఆర్ ఉంటేనే బాగుంటుంది. చూసి క్యా లగ్తా ఆప్కు క్యా రాయ హై కౌన్ బనేగా సీఎం? అబ వోతో నే మాలం భాయ్ అపన్ నహీ బోల్ సక్తే. क्यों सर आप वोट देने नहीं जाएंगे? वोट देने जाएंगे आप? तो किसको देंगे आप? किसको बोला उसको देंगे, अच्छे लोग आए तो सब कुछ देंगे ना। आपकी क्या राय है कौन बनेगा सीएम? आप अपने पुता नहीं मालूम भाई, आने बच्चा बड़े नहीं मालूम। तो दोस्तों आपने देखा कि लोगों ने किस तरह से अपने अपने ख्याल का इजहार किया, किस तरह से उन्होंने अपनी अपनी सोच को हमारे सामने रखा। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीएम कौन बनेगा। इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे एपिसोड में इंशाल्लाह हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए कैमरामैन एजाज और मुझे आप अपने दोस्त सफ़र खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हाईटेक टीवी। राय right.